नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी के विज्ञापन पर आंदोलन की तैयारी में अभ्यर्थी। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी होते विवाद भी शुरू हो गया है। सरकार ने जीन टेट पास पारा शिक्षकों के लिए इस भर्ती परीक्षा में विशेष प्रावधान कर उन्हें नियमित करने की घोषणा की है। आज वही पारा शिक्षक सरकार के इस विज्ञापन का विरोध करने लगे हैं। इतना ही नहीं, 2016 में उर्दू सहित विभिन्न विषयों में टेट पास किए अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बता दें, इन अभ्यर्थियों का मानना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन में उर्दू सहित विभिन्न विषयों के लिए सहायक आचार्य के पद ही निर्धारित नहीं किए गए। ऐसे में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले विद्यार्थी सरकार के विरोध गोलबंद होने लगे हैं। 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। छात्र संघ के साथ साथ टेट पास पारा शिक्षकों ने भी आंदोलन की धमकी दी है। टेट पास पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने विज्ञापन प्रकाशित किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार ने टेट पास पारा शिक्षकों के साथ धोखा किया है। सीएम हेमंत ने 15 दिनों में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश। झारखंड में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिंतित हैं। इसे लेकर उन्होंने राज्य के डीजीपी और वरीय पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। इस दौरान उन्होंने लगातार हो रहे अपराध और उसे रोकने में पुलिस की नाकामी पर नाराजगी जताई। बता दें, राज्य में हाल के दिनों में बढ़े आपराधिक घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों को तलब किया। मुख्यमंत्री के इस तलब के बाद आनन फानन में वरीय पुलिस पदाधिकारी झारखंड मंत्रालय पहुंचे, जहां बैठक कर मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी अजय कुमार सिंह, एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद राव लाटकर, आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर और एसपी एटीएस सुरेंद्र झा सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को साफ लहजे में कहा है कि अपराध पर नियंत्रण के लिए मेरे द्वारा खुली छूट दी गई, लेकिन अपराध नियंत्रण पर सफलता क्यों नहीं मिल रही है। बता दें, हाल के दिनों में राज्य के भीतर हो रही छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को कहा है कि अगले 15 दिनों के अंदर राज्य में विधि व्यवस्था को दुरुस्त की जाए। बीजेपी की सरकार बनी तो पंचायत स्वयं सेवक की मांग होगी पूरी। रघुवर दास। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनी तो पंचायत स्वयं सेवकों की मांग पूरी की जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को राजभवन के समक्ष 14 दिन से आंदोलनरत पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों से कहा है कि यह राज्य किसी राजनीति पार्टी का नहीं है, यहाँ की 3.25 करोड़ जनता का है। झारखंड के नवनिर्माण में पंचायत स्वयं सेवक का अहम रोल है। बीजेपी के शासन काल में झारखंड के नवनिर्माण में सहयोग करने वाले महिला पुरुष को प्रोत्साहित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया। हमारे शासन काल में हजारों महिलाओं को रानी मिस्त्री बनाया गया, वहीं 45,000 महिला मिस्त्री बना है। पीएम आवास से 8 लाख वंचित लाभुकों को लेकर सीएम हेमंत चिंतित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में वंचित 8 लाख पीएम आवास लाभुकों के लिए आवास आवंटन पर केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र ही दिल्ली जाकर केंद्रीय ग्रामीण मंत्री से मिलकर लाभुकों का आवास आवंटन कराने को लेकर बात करें, केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करें। यह बात सीएम ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग के समीक्षा बैठक के दौरान कही है। आदिवासी संगठनों ने रांची में निकाला आक्रोश मार्च। झारखंड सहित पूरे देश भर में मणिपुर में हुई घटना का विरोध जारी है। शुक्रवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए अल्बर्ट एका चौक पहुंचे। यहां मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला फूंका। आदिवासी संगठनों के नेताओं का कहना है कि देश में बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी की डबल इंजन सरकार में कुछ और ही दृश्य देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ युवा राजद ने भी अल्बर्ट एका चौक पर मणिपुर के सीएम का पुतला फूंकते हुए इस्तीफा की मांग की है। वक्ताओं ने कहा है कि मणिपुर की सरकार व केंद्र सरकार के दोहरे चरित्र से स्पष्ट है कि वे आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। सीएम हेमंत बोले, सड़क किनारे नहीं दिखे हड़िया शराब बेचती महिलाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार लगातार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों में तेजी लाने के प्रयास में जुटी हुई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके, इस निमित्त राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मनरेगा योजना अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में जहाँ कार्य लिया जा सकता है
वैसे क्षेत्रों में मानव दिवस का सृजन करें। बता दें मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी महिला सड़क किनारे हड़िया दारू बेचती न दिखे यह सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य के 10,000 गाँवों में खेल का मैदान बनाएं। झारखंड में नवंबर 2024 तक 1,00,000 कूप निर्माण का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत नवंबर माह 2024 तक राज्य में 1,00,000 सिंचाई कूप निर्माण किए जाने का लक्ष्य के साथ कार्य किए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना की सामग्री मद में भुगतान की अद्यतन स्थिति की जानकारी रखी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अब मनरेगा अंतर्गत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के सामग्री मद में राज्य सरकार द्वारा 50,000 की राशि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिंचाई कूप के निर्माण होने से किसानों को सालों भर फसल उत्पन्न के लिए पानी की कमी नहीं होगी। हमारी सरकार का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आय में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सके। रांची रिम्स में बवाल के बाद विद्यार्थियों ने खाली किए हॉस्टल। रांची रिम्स प्रबंधन की सख्ती के बाद गुरुवार को MBBS और डेंटल 2019-22 बैच के विद्यार्थियों ने हॉस्टल खाली कर दिया है। अब विद्यार्थियों को नए सिरे से हॉस्टल आवंटित होने के बाद ही कैंपस में एंट्री मिलेगी। वहीं 15 दिनों के लिए कक्षाएँ भी स्थगित कर दी गई है। ज्ञात हो कि मंगलवार की रात सीनियर व जूनियर छात्रों में मारपीट हुई थी। हॉस्टल खाली करने की सूचना पर कई छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावक रिम्स पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर परिजनों की ज़्यादा भीड़ देखी गई। देर शाम तक हॉस्टल खाली करने का सिलसिला जारी था। पलामू में महिला से दिनदहाड़े 1,10,000 की लूट। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में लुटेरों ने पैदल जा रही एक महिला से 1,10,000 रुपये लूट लिए और फरार हो गए। इस वारदात से भुक्तभोगी महिला सदमे में है। वह कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। ये घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। बताया जा रहा है कि बैंक से पैसे निकालने के बाद महिला अपने पति के साथ पैदल ही जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने पैसे से भरा झोला छीन लिया और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। धनबाद के गोविंदपुर ब्लॉक के मुखिया व BDO के बीच हुई बहस। धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का माहौल शुक्रवार को काफी गर्म रहा। प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार एवं बाघ सुमा पंचायत के मुखिया निमाई महतो के बीच पंचायत सचिव के तबादले को लेकर जहाँ गर्मा गर्मी बहस हुई, वहीं अंचल कार्यालय में आशु नेता शफीक आलम ने अंचल अधिकारी के गेट के बाहर काफ़ी संख्या में रहतों को भीड़ रहने के बावजूद अंचल अधिकारी द्वारा अपने कक्ष में नेताओं के साथ बैठक करने को लेकर बवाल खड़ा किया। बताया गया है कि शुक्रवार 21 जुलाई 2023 को बाघ सुमा पंचायत के मुखिया निमाई महतो अपने पंचायत के पंचायत समिति सदस्य उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने गए हुए थे। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजन ऐसा भव्य हो कि देश दुनिया में मिले पहचान। झारखंड के समृद्ध जनजातीय जीवन दर्शन की खूबसूरती को देश दुनिया में अलग पहचान दिलाने के लिए पिछले वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पहली बार झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसी कड़ी में इस वर्ष झारखंड आदिवासी महोत्सव को और भी बड़े स्तर पर भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राजधानी रांची में 9 से 10 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव की तैयारियों के सिलसिले में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा है कि इस महोत्सव का आयोजन इस तरह होना चाहिए कि इसके माध्यम से यहाँ के जनजातीय कला संस्कृति रहन सहन खान पान पहनाव और भाषा को विश्व पटल में पहचान मिल सके। रांची के बिरसा जू में मादा तेंदुए की मौत। रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा जू में 20 जुलाई को 5 मगरमच्छ के जन्म की खुशी का जश्न अभी ठीक से माना भी नहीं था कि 21 जुलाई को एक मादा तेंदुए राधा की मौत से पूरे बिरसा जू में मातम पसर गया। 10 जुलाई से बीमार चल रही मादा तेंदुए की मौत सुबह 11:30 बजे हो गई। बता दें बीमार तेंदुए का इलाज वेटनरी कॉलेज रांची और बिरसा जू चिकित्सालय के डॉक्टर कर रहे थे। इतना ही नहीं, तेंदुए को बचाने के लिए वर्ल्ड लाइफ देहरादून के चिकित्सालय डॉक्टर इलीराज से भी परामर्श लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेंदुए की मौत का कारण बढ़ती उम्र, हेपेटाइटिस और निमोनिया बताया गया। मामले की विस्तृत जांच के लिए सैंपल को वेटनरी कॉलेज कांके भेजा गया है।
झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों को अंग्रेजी से लगता है डर। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शिक्षकों और बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई से परेशानी हो रही है। सालों से हिंदी मीडियम में पढ़ाई करा रहे इन स्कूलों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई शुरू की गई, जिस कारण अंग्रेजी मीडियम में सभी को पढ़ना और पढ़ाना पड़ रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के तर्ज पर राज्य भर में 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। इन स्कूलों में शैक्षणिक माहौल अंग्रेजी माध्यम से हो, इसकी व्यापक कार्ययोजना बनाई गई, मगर हकीकत यह है कि चरणबद्ध तरीके से नर्सरी से लेकर प्लस टू के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने में गुरुजी खुद परेशान हो रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से तैयार गणित के प्रश्न उन्हें उलझन में डाल रहे हैं। रेल मंत्री से नई दिल्ली में मिले सांसद संजय सेठ। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सांसद ने रेल मंत्री से रांची लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार, नई ट्रेनों के परिचालन और कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का आग्रह किया। बता दें, सांसद श्री सेठ ने रेल मंत्री को रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन के लिए धन्यवाद देते हुए इसके साथ ही रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर चर्चा की। इस चर्चा में रेल मंत्री ने सांसद को बताया है कि इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन रांची और हावड़ा के बीच शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद करेगी, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को उनके कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में मलेशिया में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में चयनित झारखंड के 7 दिव्यांगजन खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा है कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर केंद्रित रहे, सरकार खिलाड़ियों की हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र से चयनित दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि मलेशिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड से चयनित इन सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा। झारखंड में 3000 से अधिक झोला छाप पशु चिकित्सक। झारखंड में पशु चिकित्सकों की घोर कमी है। राज्य में पहले से पशुओं की संख्या के अनुपात में पशु चिकित्सकों के सृजित पद काफी कम हैं। उनमें से भी कुल सृजित 778 पदों में करीब 378 पद भी खाली पड़े हुए हैं। बता दें, राज्य में पशुओं और कुक्कुटों की संख्या के हिसाब से कम 2800 पशु चिकित्सक की जरूरत है। पशु चिकित्सकों की घोर कमी की वजह से राज्य के अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में पशुओं का इलाज झोला छाप वेटनरी डॉक्टरों के भरोसे है, जिसके चक्कर में पड़कर पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बीमार पशुओं के स्वास्थ्य और खराब होने और जान जाने का भी खतरा पहले से ही बना रहता है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में करीब 3000 से ज़्यादा झोला छाप डॉक्टर हैं। मणिपुर घटना के विरोध में रांची में प्रदर्शन। मणिपुर में जनजातीय कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद से देश भर में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के खिलाफ झारखंड में भी राजनीतिक दलों, सामाजिक और आदिवासी संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। बीते दिन रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अलवर्ट एका चौक पर प्रदर्शन किया। युवा राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश इकाई द्वारा मणिपुर की घटना के विरोध में किए गए इस प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव सहित कई नेता शामिल रहे। कुपोषण से महिला कैदी की मौत। शुक्रवार सुबह होटवार जेल में बंद एक महिला कैदी की रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रबंधन की तरफ से बताया गया है कि महिला कैदी की मौत का कारण कुपोषण, टीबी और अन्य बीमारियां हैं। बता दें, राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में शुक्रवार की सुबह कैदी वार्ड में इलाजरत महिला कैदी की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार महिला कैदी की मौत का कारण टीबी, एनीमिया और कुपोषण बताया जा रहा है। महिला कैदी का नाम सीता कुमारी है और उसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। वह रांची के होटवार जेल में पिछले 9 साल से हत्या के जुर्म में बंद थी। रांची में फायरिंग मामले में 3 गिरफ्तार। रांची में फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा है। अपराधियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी भी मिली है। रंगदारी के रूप में 50 लाख रुपए नहीं देने पर अपराधियों ने एक घर में फायरिंग की थी। पुलिस ने रातू इलाके में फायरिंग कांड का खुलासा कर लिया है। मामले में रांची पुलिस ने फायरिंग में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद ताज, इम्तियाज अंसारी और वसीम खान शामिल हैं।
गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस को बताया है कि रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 कार और 3 मोबाइल भी बरामद किया है। मणिपुर जाएगा इंडिया गठबंधन के सांसदों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल। मणिपुर की हिंसा और हैवानियत को लेकर सूबे के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की आक्रामक घेरबंदी कर रहे 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने इस मुद्दे पर अगले हफ्ते संसद के बाहर और भीतर अपनी रणनीति को और धार देने का फैसला किया। इस क्रम में विपक्षी गठबंधन के सभी सांसद सोमवार को मणिपुर हिंसा के खिलाफ सदन शुरू होने से पहले संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विरोध का इजहार करेंगे। इंडिया गठबंधन केंद्र पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने सांसदों नेताओं का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भी जल्द मणिपुर भेजने की तैयारी कर रहा है। झारखंड में महिला कर्मी संभालेंगी पोक्सो एक्ट में दर्ज कांडों के अनुसंधान की जिम्मेदारी। झारखंड में पोक्सो अधिनियम में दर्ज कांडों के अनुसंधान के लिए विशेष इकाई का गठन होगा। यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधित इस कानून के तहत अपराधियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मजबूत अनुसंधान के लिए अपराध अनुसंधान विभाग CID ने तैयारी शुरू कर दी है। इस अधिनियम में दर्ज कांडों में अनुसंधान व कार्रवाई की जिम्मेदारी महिला पुलिस पदाधिकारियों व महिला कर्मियों को सौंपने की तैयारी है। इसके लिए राज्य में विशेष इकाई का गठन होना है। इस अधिनियम के तहत दर्ज कांडों की जांच के लिए सभी जिलों के महिला थाने में कुछ महिला पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाना है। सेवा मुक्त होंगे 399 पारा शिक्षक। अवैध नियुक्ति मामले में पलामू के 399 पारा शिक्षक हटाए जाएंगे। इनकी बहाली आवश्यक योग्यता नहीं रहने के बाद भी की गई थी। वहीं अवैध नियुक्ति के बाद भी 113 पारा शिक्षकों की नौकरी बची रहेगी, क्योंकि ये सभी बहाली के समय कम से कम आवश्यक योग्यता रखते थे। इन्हें स्पेशल केस में बहाल रखने का निर्णय नहीं लिया गया है, इसी तरह इनकी नौकरी बची रहेगी। बता दें, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पलामू के तत्कालीन आयुक्त जटा शंकर चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। गढ़वा में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत। गढ़वा जिले के श्रीवंशीधर नगर में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद विवाहिता के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा। बता दें, गढ़वा जिले के वंशीधर मोहल्ला निवासी मनीष राम की 30 साल की पत्नी कविता देवी की शुक्रवार को मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कविता के मायके वालों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं मृतक के परिजन पति सास व ननद की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने से रोक दिया। स्कूल बसों के खिलाफ चला विशेष अभियान। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत निजी स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश द्वारा स्कूल बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। बता दें, सहजानंद चौक व हरमो क्षेत्र में चलाए गए जांच अभियान में कुल 79 बसों की जांच की गई। इसमें कई वाहनों के कागजात अपडेट नहीं थे। निजी बसों के मालिकों को वाहन संबंधी कागजात अपडेट रखने का निर्देश दिया गया है। मानसून की बेरुखी से संताल परगना के किसान परेशान। संताल परगना प्रमंडल में इस साल भी मानसून का साथ किसानों को नहीं मिल रहा। जून के बाद जुलाई में भी अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों के माथे में चिंता की लकीर बढ़ती जा रही है। अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से महज 5.2% ही धन रोपनी पूरे संताल परगना में अब तक हो सकी, जबकि मक्का का आच्छादन भी इस साल अब तक 21% ही हो पाया। ये आंकड़े विभाग के लिए भी चिंताजनक है। बता दें, जुलाई महीने में अब तक 42.96% सामान्य वर्षपात के विरुद्ध बारिश 20 दिनों में हुई है। संताल परगना में जुलाई का सामान्य वर्षपात 316.75 है, जबकि अब तक 20 दिनों में महज 136.07 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। धन्यवाद।